एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मैंने इससे पहले आपको क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स पढ़ाया था। अब मैं आई हूं सेकंड चैप्टर के साथ और वो है पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी नंबर में पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, काफ़ी ईजी भी है। आपने पहले नाइन्थ क्लास में इसके बारे में कुछ चीज़ें बेसिक्स पढ़ी भी हुई हैं, अब उसी को थोड़ा आगे एक्सटेंड किया हुआ है थोड़े से नए मेथड्स वगैरह के साथ और थोड़े से नए अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब शुरू करते हैं। और मैं थोड़ा सा बेसिक्स पहले बताऊंगी आपको जो आपने पढ़ा हुआ है, उसके बाद फिर हम मेन चीज़ पे आगे चलेंगे। पॉलिनोमियल्स हमें पढ़ा है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस वगैरह। उससे पहले एक उसके जो अंदर का जो कोर मटेरियल होता है उस पे चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे कि कोई भी इक्वेशन किसी भी एक्सप्रेशंस में हम अगर एक्स वाई जेड ऐसे कोई भी जो टर्म्स होते हैं वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। इनको हम वेरिएबल्स क्यों कहते हैं? वेरिएबल्स में एक टर्म में यही देखिए, वेरी करना। वेरी मतलब होता है चेंज होते रहना। ठीक है, यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जेड की कुछ भी हो सकती है, हम चाहे वन ले लें, टू ले लें, थ्री ले लें, कुछ भी ले लें। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स जो कि चेंज हो सकते हैं, जिनके नंबर जिनकी वैल्यूज चेंज होती हो। एक और हमारा टर्म होता है कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट हमारा क्या होता है? कॉन्स्टेंट हमारे जो नंबर्स होते हैं वही कॉन्स्टेंट्स होते हैं, क्योंकि हम वन की वैल्यू तो ऐसा कुछ नहीं किसी एक्सप्रेशन में कुछ चेंज हो सके, या फिर टू की वैल्यू कुछ चेंज हो सके, इनकी वैल्यूज तो वही रहेंगी ना, इसको इसीलिए हमने कहते हैं कॉन्स्टेंट्स, और ये जो वेरी होते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताती चलती हूँ। जैसे टर्म्स क्या होते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं टर्म्स क्या होते हैं, हम टर्म्स क्या कहते हैं। कुछ भी हमारा टर्म हो सकता है, जैसे कि हमारा 2x एक टर्म हो गया, जैसे कि हमारा 3y एक टर्म हो गया, जैसे कि 2x हो गया, 3y हो गया, 4 हमारा z हो गया। ये जो टर्म हमारा होता है वो होता क्या है? ये हमारा है वेरिएबल, ये हमारा है कॉन्स्टेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट इज नोन एज टर्म। अब आप ये सोचेंगे कि अगर हमारा सिर्फ x, y, z ले रखा हो तो क्या वो टर्म नहीं है? है, क्योंकि आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि अगर हमारा सिर्फ x प्लस y या फिर लिखा हुआ है तो इसके साथ एक वन कॉन्स्टेंट कोफिशेंट में आता है। कोफिशेंट क्या होता है? किसी भी इक्वेशन किसी भी एक्सप्रेशन में जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके साथ जो एक कांस्टेंट टर्म जो जुड़ा होता है वो हमारा उस वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है। अगर मैं एक इक्वेशन यहाँ पे लेती हूँ 2x प्लस 3z, यहाँ पे हमारा जो x है वो वेरिएबल है। ठीक है, और अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी वेरिएबल के साथ लगने वाला जो कांस्टेंट नंबर होता है वो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। अब इसमें मैंने लिखी है जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता होगा डिग्री क्या होती है, आपने पहले पढ़ा होगा, एक और बार देख लेते हैं। कोई भी हमारी इक्वेशन दे रखी है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लूँ 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5, ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया। अगर मुझे यहाँ जानना हो कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या है तो वो कैसे पता करेंगे? डिग्री हमारा क्या होता है, किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमारी डिग्री होती है। देखिए यहाँ पे हमारी x की पावर क्या है 2, यहाँ पे हमारी y की पावर क्या है 1। ध्यान रखिएगा जब किसी भी वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं लिखी होती तो उसकी पावर हमारा 1 होता है। ठीक है, हमारे इस इक्वेशन में जो हमारी हाईएस्ट डिग्री है वो कम्प्लीटली यहाँ पर एक्स की डिग्री है, वो है 2। ठीक है, तो इस इक्वेशन की जो हमारी डिग्री होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें अगर ऐसे वन नंबर में क्वेश्चन बने कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी हमारी 2। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल क्यों बोला? पॉलिनोमियल हम पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है, कोई भी एक्सप्रेशन का जो कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स आए कॉन्स्टेंट्स आए उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं।
ठीक है, अब आते हैं हम लोग लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की तरफ। ये जो तीनों हैं हमारे, ये हमारे पॉलिनोमियल के टाइप्स हैं, ठीक है, ये हमारे पॉलिनोमियल के टाइप्स हैं। आते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल में। लीनियर पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर लूँ, जैसे कि कोई भी मैंने एग्जाम्पल लिया 2x+3, इस इक्वेशन को या फिर इस पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए इस पॉलिनोमियल में, इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर हमारी है इस इक्वेशन की, या फिर जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो हमारे यहाँ पे 1 है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या है, सिर्फ एक ही है और वो क्या है, एक्स, और उसकी जो पावर है वो क्या है, 1। तो जितने भी हमारे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है वो हमारे लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है। इसमें एक और चीज़ होती है हमारी, जनरल सी चीज है, मोनोनोमियल। ये क्या होता है, कोई भी हमारा टर्म जो होता है वो हमारा मोनोनोमियल होता है। टर्म मैंने इससे पहले बताया था, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट इज नोन एज टर्म। मोनोनोमियल यहाँ पे हमारा 2x या फिर 3y या फिर कुछ भी 5z, जो हमारा सिंगल एक वेरिएबल के संग एक जो कोफिशियंट है वो हमारा टर्म है, और इस टर्म को हम मोनोनोमियल भी कह सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद ये हमारा एक नेक्स्ट हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँ 3x² + 4y + 6, ये हमारा, ये जो हमारा इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल जो मैंने यहाँ पे लिया है उसकी जो हमारी हाईएस्ट डिग्री है वो है हमारी 2। देखिए यहाँ पे y की डिग्री क्या है, यहाँ पे 1, क्योंकि उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है तो हम 1 ही लेंगे, 1 ही होती है। x की हमारी क्या है, 2। तो ये जो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, और जिन भी इक्वेशंस में, जिन भी पॉलिनोमियल्स में डिग्री 2 आएगी या फिर हाईएस्ट पावर 2 होगी उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर मींस पावर 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक मींस पावर 2 होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है क्यूबिक। इसमें क्वाड्रेटिक के बाद एक और चीज आती है हमारी बायनोमियल। बायनोमियल्स हमारे क्या होते हैं, जिन दो टर्म्स का होना। मोनोनोमियल में यहाँ पे क्या था कि सिर्फ एक एक टर्म हो रहा था, ठीक है। बायनोमियल हमारा होता है दो टर्म्स का होना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और टर्म मैंने क्या बताया था, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशियंट और कॉन्स्टेंट। तो इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे हमारे दो टर्म्स आ रही हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, बायनोमियल। जो सारे जो होते हैं वो हमारे होते पॉलिनोमियल हैं, चाहे उसमें मोनोनोमियल मींस एक टर्म, बायनोमियल मींस दो टर्म, उसके बाद आएगा ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल्स, फिर तीन टर्म्स और सो ऑन बढ़ते जाते हैं, ठीक है। ये सारे ही हम बोल सकते हैं कि होते पॉलिनोमियल्स ही हैं, ठीक है। और ये जो है हमारे, ये डिफरेंट होते हैं, इनकी एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि इनकी हाईएस्ट पावर ये होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर वो होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ। ये है हमारा एक टाइप। इसमें मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ 3x + 4y + 6 हम देखेंगे कि इसकी हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे x की पावर क्या है, 3, y की पावर क्या है, 2, z की पावर क्या है, 1, और फिर एक कांस्टेंट। इस वाले एक्सप्रेशन, इस वाले पॉलिनोमियल में जो हमारी पावर है वो हमारी 3 है, जो हमारी डिग्री है वो हमारी 3 है। तो जिन भी पॉलिनोमियल्स में हमारी डिग्री 3 होती है, जो हाईएस्ट पावर 3 होती है, तो वो हमारे होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जिसमें भी हमारी 2 डिग्री होती है, 2 पावर होती है हाईएस्ट, वो होते हैं हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसमें भी हमारी डिग्री सिर्फ 1 होती है वो होते हैं हमारे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर मींस 1, क्वाड्रेटिक मींस 2 पावर, क्यूबिक मींस 3 पावर, हाईएस्ट पावर 3, ठीक है। अब एक और इसके बाद टर्म आता है ट्राइनोमियल। मैं इन दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चल रही हूँ क्योंकि थोड़ा इनमें डिफरेंस है कि इसकी डिग्री इतनी होनी चाहिए या फिर उसमें टर्म्स इतने होने चाहिए, इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं इन दोनों चीज़ों को साथ में लेके चल रही हूँ, एक साथ एक। ट्राइनोमियल्स हमारे क्या होते हैं,
जिनमें भी तीन टर्म्स आ रहे हो, ट्राई मतलब थ्री, बाय मतलब टू, मोनो मीन्स वन, ठीक है। ट्राइनोमियल हमारे वो होते हैं जिनमें भी तीन टर्म्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाए। देखिए यहाँ पे 3x हमारा एक टर्म है, 2y हमारा एक टर्म है, 3z हमारा एक टर्म है, ठीक है। यहाँ पे तीन टर्म्स का आना, जब कोई भी टर्म्स किसी भी ऑपरेटर के साथ अगर यूज हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम इनको क्या कह रहे हैं, ट्राइनोमियल्स, ठीक है। यहाँ पे तीन टर्म्स आ रहे हैं, बाइनोमियल में दो टर्म्स आ रहे हैं, मोनोनोमियल में सिंगल सिंगल टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। और ये भी क्लियर है कि इसमें डिग्री का इंपॉर्टेंस होता है और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स का इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। सेकेंड 2.1 फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे यहाँ जीरोस फाइंड करने के लिए बोला गया है कि किसी का जीरो निकालना है किसी इक्वेशन का। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मैं वो समझाती हूँ पहले। जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँ, 2x प्लस 5, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। 2x प्लस 5 मैंने यहाँ एग्जांपल लिया। अब सपोज कीजिए कि x की जगह अगर मैं कोई वैल्यू रख रही हूँ, x की जगह 1 रख रही हूँ, x की जगह 0 रख रही हूँ, x की जगह कुछ भी रख रही हूँ, अगर कोई नंबर, पर्टिकुलरली कोई नंबर रखने से अगर इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो बन के आ जाती है, तो वो नंबर हमारा होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं x की जगह 2 रखूँ और अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू पूरी जीरो आ जाए, तो हमारा x इक्वल्स टू 2 जो होगा वो होगा हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हमारा होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। या फिर कोई भी वेरिएबल में, वेरिएबल आपको पता है जिसमें नंबर्स रख के उनकी वैल्यूज चेंज होती हो, उसमें अगर हम वैल्यूज पुट करके उस एक्सप्रेशन की, उस इक्वेशन की वैल्यू जीरो आती है, तो वो होता है हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जो फर्स्ट यहां पे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया है 2x-4। अब हम इस लीनियर इक्वेशन की जीरोस को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं x की जगह यहाँ पे 1 पुट करती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे रखा x की जगह 1, -2 आया। ये हमारा जो x की जगह 1 रखेंगे तो ये हमारा 0 नहीं होगा। अब हम रख के देखते हैं x की जगह 2, x के प्लेस पे हमने 2 रखा, 4-4 0। समझ में आपको, मैंने क्या कहा था कि कोई भी वैल्यू पुट करने पे अगर इक्वेशन की वैल्यू जीरो आ जाती है, तो वो जो हमारा नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का हमें एक जीरो पता पड़ गया, x इज इक्वल्स टू 2। अब देखिए, अगर मैं इक्वल्स टू के इधर ले जाके इसको ऐसे लिखती हूँ, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा एक हो गया, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो गया, ठीक है। फैक्टर्स हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था क्या होता है, डिविजिबल होता है, मल्टीपल, वो चीज़ें जो होती हैं, ये हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया, ठीक है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और फैक्टर। अब फर्स्ट एक्सरसाइज में थोड़ी ग्राफिकल चीज़ें हैं। अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ, फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ 2.1। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। द ग्राफ्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। हमें यहाँ पे ग्राफ्स की जीरोज निकालना है। सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ इसमें ग्राफ्स के जीरोज कैसे निकालने का होता है। एक चीज बस ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे y इज इक्वल्स टू पी एक्स के लिए पूछा गया है, तो जो भी हम कंडीशन देखेंगे वो x के लिए देखेंगे। बताती हूँ मैं क्या है। जैसे कि हमारा फर्स्ट हमारा जो ग्राफ है, फर्स्ट हमारी जो केस है वो हमारा है ये, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है। देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो एक लाइन है, ये जो पॉइंट से टच होकर आ रही है, ये हमारी एक्स एक्सिस पे कहीं कट नहीं कर रही है, तो इस वाले ग्राफ के हमारे जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो जीरो होंगे, नो जीरोज, मतलब इस ग्राफ के कोई जीरोज नहीं है। यहाँ पे मैंने एक चीज बताई कि हम एक्स के लिए देखेंगे, वो हम क्या देखेंगे, आप ये देखिए, अगर वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स है, तो हम ये देखेंगे कि कोई भी लाइन, कोई भी कर्व, कुछ भी जो है वो एक्स एक्सिस पर कितनी जगह कट कर रहा है। और अगर यहाँ होता एक्स इज इक्वल्स टू पी वाई,
तो हम ये देखते हैं कि जो लाइन या फिर कोई भी कर्व है वो वाई एक्सिस पे कितनी जगह कट कर रहा है। ठीक है, सेकंड पार्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे, सेकंड पार्ट हमारा कुछ इस तरीके का है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाले है। देखिए यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में y = x = px के लिए पूछा गया है। यहाँ पे जो हमारा ये जो कर्व है वो हमारा x-axis पे सिर्फ एक जगह कट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे इस ग्राफ के जो जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे, वो हमारे होंगे 10 ओनली। इसके यहाँ पे कुछ डिटेल्स वगैरह होती हैं लेकिन आपके सिलेबस में इतना नहीं है। आप सिर्फ इस चीज़ को ध्यान रखिए कि y = px के लिए अगर पूछा तो हम देखेंगे कि कर्व x एक्सिस पे कितनी जगह कट कर रहा है, और अगर x = py के लिए पूछा तो हम देखेंगे कि y एक्सिस पे कितनी जगह कट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और थर्ड एग्जाम्पल भी, थर्ड पार्ट भी मैं लेती हूँ यहाँ पे। थर्ड पार्ट हमारा कुछ इस तरीके का है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो हमारी कर्व है वो हमारी एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगी हम ये देखेंगे। देखिए ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, ये जो हमारा कर्व है वो एक्सिस को 3 जगह पे कट कर रहा है, तो इस ग्राफ के हमारे जो जीरोज होंगे वो होंगे 3 जीरोज। ठीक है, और इसके बाद आए के सारे पार्ट्स ऐसे हैं कि कितनी जगह एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है आप उसको देखिएगा, और उतने ही हमारे उस ग्राफ के जीरोज होंगे। ठीक है, और अगर यहाँ x = py होता, अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन घूम के आ जाए और यहाँ पे x = py होगा तो हम वाई एक्सिस के उस पे देखेंगे। ठीक है, यही हमारा था फर्स्ट एक्सरसाइज का सारा मैटर। अब आपको सेकेंड एक्सरसाइज में और मज़ा आएगा, क्वेश्चंस थोड़े अलग तरीके के हैं। और मिलिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू ऑल।